हाँ तो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नेट सॉल्यूशन हिंदी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपडेट है उसमें मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ जो कि ब्रांच में दिया जाता है, वो पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपने AEPS फेल ट्रांजेक्शन में जो कस्टमर का कट जाता है पेमेंट या विड्रॉल करते समय किसी कारणवश या ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के वजह से, तो ये पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा नेट सॉल्यूशन हिंदी चैनल है, ये आप ही लोगों का चैनल है। यहाँ से रेड कलर बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज आपको जो मैं ये अपडेट देना चाह रहा हूँ, अगर आप चाह रहे हैं ये वीडियो ट्रेंडिंग पे जाए, तो जितने भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, 100, 200, 10, 20 व्यूअर्स, सभी के सभी अगर लाइक दबा देते हैं, अगर 2000 व्यूज आता है, 2000 में 2000 लाइक आ जाता है, तो ये वीडियो जरूर 50,000 प्लस व्यू चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं दिन में आपको एक वीडियो के बदले दो वीडियो अपडेट देना स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों का ज़बरदस्त रिस्पांस है जिस वजह से मैं आपको हर एक अपडेट रूबरू करवा रहा हूँ नेट सॉल्यूशन हिंदी के माध्यम से। अब जिनको मेरा भाषा सरल लगता है, हमें पसंद करते हैं, तो प्लीज़ नीचे बटन आपको लाइक का मिल रहा होगा, लाइक बटन को हिट कीजिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहले तो जो कस्टमर का ट्रांजेक्शन फेल्ड होता है उसका स्टेटमेंट निकलवा लीजिए या पासबुक प्रिंट करवा लीजिए। ये देख सकते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, दो ट्रांजेक्शन 6-6 हज़ार का आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में फेल्ड हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे एक बीएलई ने जो अपडेट मुझे ग्रुप में मिला हुआ है, ये आवेदन दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है प्रति लिखा हुआ है ऊपर में, श्रीमान शाखा प्रबंधन महोदय जी, सेंट्रल मध्य ग्रामीण बैंक शाखा गुगड़ी, जहाँ के ये हैं, विषय आधार AEPS सिस्टम में ऐसे राशि निकासी करने से राशि फंसने बाबत, ठीक है, महानुभाव जी स्वनम्र निवेदन है कि मैं अपना जो नाम है वो डालेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस, पोस्ट, प्रखंड, मंडल, उसके बाद मध्य प्रदेश के निवासी हो, या मेरा खाता क्रमांक इतना है और मेरा अकाउंट नंबर इतना है जो कि अर्जेंट जरूरी कार्य के लिए आधार से निकासी कर रही थी, दिनांक 15 इतना इतना को सुबह इतना बजे निकासी। तो ये जो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, ये एजेंट नहीं बल्कि ये जिनका खाता है उनके नाम से ये गया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने कि आपका एजेंट आप भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है फुल्ली ऑथराइज्ड है एप्लीकेशन देने के लिए, चूँकि इनके खाते से कटे हैं, फिर वहाँ से बीसी पॉइंट आप किसी और बैंक से है किसी और बैंक को मेल कर सकते हैं इस रिगार्डिंग में, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो कस्टमर अगर देता है तो डायरेक्टली उस पर तुरंत क्विक एक्शन होगा। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी भाषा में आप देख सकते हैं, फॉर्मेट मैं उपलब्ध करवा दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, इसे आप देख सकते हैं, या नहीं तो इस वीडियो को देख करके आप टाइपिंग करके इसे प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने डिटेल्स दे करके, अपने ब्रांच का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिख रहा होगा, बीसी कोड जहाँ से आपका ये विड्रॉल हुआ है उनका जो बीसी कोड होगा, जो जैसे AEPS ट्रांजेक्शन करने गए तो बीसी कोड जो होगा, जो CSP बीसी पॉइंट AEPS बीसी पॉइंट पे गए हैं, चाहे वो पे नियर बाय हो, DigiPay हो, AEPS में नोवो पे हो, स्पाइस मनी हो, और जो भी कंपनी का होगा तो वहाँ का बीसी पॉइंट आप शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे श्रीमान शाखा प्रबंधन महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि इस राशि की वो खाता संख्या इतना में रिफंड कराने की अति दया करें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका सिग्नेचर मोड, यहाँ सिग्नेचर देख सकते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है इसे कहीं बहुत हद तक जो है AEPS के फेल ट्रांजेक्शन पे अपनी तरह से जो है एक प्रक्रिया बोला जाए कि जो ट्रांजेक्शन फेल होता है, आप तो कंपनी जिस कंपनी से वर्क करते हैं वहाँ तो डालते ही डालते हैं, वो लोग भी बैंक को मेल करते हैं, उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट लेकिन अगर किसी किसी बैंक का अगर फंस जाए, 15 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, नहीं आए, तो ये प्रोसेस काफ़ी ही इजी प्रोसेस है। और एक एप्लीकेशन के माध्यम से ब्रांच भी अपने तरह से जो है चेक करती है कि सही में इसकी जो ट्रांजेक्शन फंसी है वो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि मैंने यूको बैंक के रिलेटेड अपडेट दिया था, उसमें खाता में आ जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा एक फॉर्मेट है, इसे आप देख लीजिए और टाइपिंग करके हो सकता है निकाल के रख लें एक दो पीस, जिस कस्टमर को अगर प्रॉब्लम आता है सेंटर पे उसे ये दें और बोले सारा डिटेल्स आप बताएं किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, आप चेक करके उनको ये डिटेल्स दे करके उनको ये फिल करवा के ब्रांच में अपडेट करवा दें, बहुत हद तक आपकी परेशानी घट जाएगी, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का अपडेट देंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल के और वीडियो को लाइक करके